नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं वरुण अवस्थी। तो आज की खबर कुछ अजीब है, अजीब है तो खास है, खास है तो आपके साथ शेयर करना तो बनता है। जी हाँ, एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक दुबई आजकल अपनी भिखारियों की समस्या से काफी परेशान है। ये कोई आम भिखारी नहीं है, ये भिखारी बाकायदा दुबई गए हुए हैं टूरिस्ट वीजा पर भीख मांगने के लिए। जी हाँ, मतलब ये वीजा लेकर बाकायदा वहां पर भीख मांगने के लिए पहुंचे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा एक मामला सन 2018 में सामने आया था, जब एक भिखारी ने इस महीने में तकरीबन 54 लाख रुपए कमा लिए थे। इस भिखारी ने लोगों को कहा, जो वहां के लोकल्स हैं और जो टूरिस्ट हैं, कि मैं अपने घर जाकर एक धार्मिक स्थल का निर्माण कराना चाहता हूं। इस बात को लोगों ने सच माना और उस भिखारी को दिल खोल कर दान दिया, या यूं बोले भीख दी, और इस भिखारी के पास 54 लाख रुपए तक जमा हो गए। हालांकि इस भिखारी को दुबई पुलिस ने बाद में पकड़ लिया और वापस अपने देश भी भेज दिया। पर भीख मांगने की दुबई में काफी बड़ी सजा भी है। हालांकि हर देश में भीख मांगना एक अपराध है, इसीलिए भीख मांगने स्पेशली किसी दूसरे देश जाना गलत बात है। फिलहाल दुबई पुलिस दोबारा एक्टिव हो गई है, क्योंकि रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है और दुबई पुलिस नहीं चाहती कि भिखारियों की वजह से लोकल्स को या आने वाले टूरिस्ट को जो जेन्युइन है उन्हें कुछ नुकसान हो। फिलहाल जो मामला सामने आया है वो दुबई के अलकोज इलाके से एक एशियाई भिखारी को पकड़ा गया है और उसने महीना शुरू होने से पहले ही तकरीबन 1 लाख दिराम यानी कि 18 लाख रुपए कमा लिए थे और अभी और भी वो कमाने की फिराक में था। कुछ सालों पहले भी एक मामला सामने आया था, सन 2016 की रिपोर्ट्स की माने तो ये बात है, जहां एक भिखारी लग्जरी कार में पेट्रोल के लिए भीख मांगता हुआ पकड़ा गया था। और ये एक कार नहीं थी, काफ़ी सारी गाड़ियां थी उस पर, और वो भीख मांग के लोगों से ये बोल रहा था कि मुझे अपने जिस शहर से मैं आया हूँ शहर जाने के लिए पेट्रोल नहीं है मेरी कार में, मुझे पैसे चाहिए। तो उसकी काफ़ी लोगों ने वैसे मदद भी की थी। तो दुबई इस समय भिखारियों को लेकर काफ़ी परेशान है। हालांकि दुबई पुलिस ने ये सख्त ऑर्डर्स दिए हैं उन कंपनीज़ को, उन टूर कंपनीज़ को जो इन भिखारियों को दुबई के लिए वीज़ा दिलवाने में मदद करती हैं। उन्होंने कहा कि आपका यह काम है कि अच्छी तरीके से जांचें और परखें पहले टूरिस्ट को कि वो किस मकसद से दुबई में जा रहा है। अगर आपका भेजा हुआ बंदा, आपका भेजा हुआ शख्स यहां पर भीख मांगता हुआ पकड़ा गया तो आप पे 18,000 रुपए तक का चालान हो सकता है। वैसे तो रमजान के इस पाक महीने में भिखारी अलग अलग तरीके से भीख मांगते हैं। कोई कहते हैं कि हमारी सेहत अच्छी नहीं है, कोई बताते हैं टूरिस्ट को या लोकल्स को कि हमारे जो घर के हालात हैं वो सही नहीं है, और उदारवादी वहां के लोकल्स और उदारवादी जो टूरिस्ट होते हैं वो दिल खोल कर दान भी दिया करते हैं। उन्हें खुशी होती है किसी की हम मदद कर रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि एक्चुअली में वो किसी की मदद नहीं कर रहे हैं बल्कि एक झूठ के सामने नतमस्तक हो रहे हैं। एक जो झूठ बोलता है भिखारी उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। एक रिपोर्ट की अगर बात मानी जाए यहां पर, तो 2018 में जो भिखारियों के आंकड़े हैं उसमें गिरावट देखी गई है। सन 2018 में 243 भिखारियों को पकड़ा गया था, जिसमें 136 पुरुष और 107 महिलाएं थी। 2017 में 653 भिखारियों को गिरफ्तार किया गया था और 2016 में 1021 और 2015 में 1405 भिखारियों को दुबई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो हालांकि ये आंकड़ा गिर रहा है, अब जो भिखारियों की संख्या दुबई में जाने वालों की है वो कम हो रही है, जो स्पेशली भीख मांगने के पर्पस से जाते हैं उनकी संख्या में कमी देखी गई है। पर किसी भी देश में भीख मांगना एक अपराध है, और ख़ास तौर पे अगर आप किसी दूसरे देश में भीख मांगने के लिए जाते हैं तो आपके अपने देश का भी उसमें नाम खराब होता है और दूसरे देश का तो नाम खराब होता ही है। जी हाँ, तो ये थी दुबई की परेशानियों के ऊपर एक खास रिपोर्ट। और ज़्यादातर लोग दुबई घूमने फिरने जाया करते हैं या किसी खास धार्मिक वजह से भी जाया करते हैं, पर एक ही बिजनेस एंगल निकाला है चुनिंदा लोगों ने, कुछ गलत लोगों ने यहां पर, और ये नहीं होना चाहिए। ये बड़ा ही एक अनऑर्थोडॉक्स तरीका है पैसे कमाने का कि किसी दूसरे देश में आप विजिट वीजा पर जाएं फिर वहां जाके भीख मांगें। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है। मैं हूं वरुण अवस्थी, बिस्तक देखने के लिए धन्यवाद।